नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। आई रुक करते हैं खबर की ओर। इटावा में बाग में मिला बच्ची का कटा सिर। सिर की तलाश में जुटी पुलिस, ग्रामीण बोले बलि देने के बाद कटा सिर यहां फेंका गया है। इटावा में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बकेवर थाना क्षेत्र में काशीराम कॉलोनी के पास स्थित एक बाग में मासूम बच्ची का कटा सिर मिला। बाग मालिक के बेटे ने सिर पड़ा देखा तो पुलिस और आसपास के लोगों को सूचना दी। सूचना मिलने पर एसएसपी जयप्रकाश सिंह के साथ पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीण का कहना है कि बच्ची का धड़ नहीं मिला, ऐसा लगता है बलि देने के बाद सिर यहां पर लाकर फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस दल की तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि बकेवर थाना क्षेत्र में NS2 किनारे काशीराम कॉलोनी है। कॉलोनी के पास में ही राजेश नारायण नाम के एक व्यक्ति का बाग है। रविवार को राजेश नारायण का बेटा ओम प्रकाश बाग में भैंस बांधने के लिए गया था। उसे पीपल के पेड़ के नीचे करीब 1.5 वर्षीय बच्ची का कटा हुआ सिर दिखाई दिया। धड़ से अलग सिर देख कर दहशत में आ गया। धड़ की तलाश में जुटी डॉग स्क्वाड टीम। उसराहार से गौरव शाके की रिपोर्ट। अभी हमको सूचना मिली थाना बकेवर से कि एक बच्चे के सर कटा हुआ मिला है। सूचना में मौके पर आया हूँ। ये लगभग 1.5-2 साल के बच्चे का सर है और बॉडी का और पार्ट्स नहीं है। उसकी तलाश कराई जा रही है। यहाँ के अगल बगल के लोगों ने अभी तक पहचान नहीं किया है, पहचान नहीं पाई है। पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है और इसके बाद इसकी विस्तृत जाँच की जाएगी कि पूरा पता क्या है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24।